नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल। अकेला आदमी हूँ इसलिए सब सेटिंग वेटिंग करनी पड़ती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। अभी आजकल एक नए कैमरागराफर आए हैं तो वो थोड़ा सा काम संभालते हैं शिव कुमार जी में। और आज चलते हैं अपन एक ऐसी दुर्लभ साधना की तरफ जो नकारात्मक शक्तियों से भी सकारात्मक लाभ लेना जानती है। तो वो नकारात्मक शक्तियों से सकारात्मक लाभ कैसे लेंगे, तो आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। देखिए, पहले तो आपके पास एक ऐसा स्केच पेन होना चाहिए, ब्लैक का ही होता है स्केच पेन, कोई भी हो ब्लैक का होना चाहिए। आपको बुधवार के दिन, अब जो मैं उपाय बताऊंगा लोग कहेंगे कि ये तो सुना हुआ है, नहीं सुना हुआ है, जो सुना हुआ है वो आधा सुना हुआ है, आधा पूरा उपाय बताता हूँ आपको, पूरा एक तांत्रिक प्रयोग बताता हूँ जिसको आपने कर लिया तो आप वो कुछ कर सकते हो जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। दुश्मनों का सर्वनाश करना हो, उनका बंटाधार करना हो, कर सकते हो। कर्जा स्तर पे हो उसको मिटा सकते हो, बीमारी हो उसको भगा सकते हो, ऐसा कोई काम नहीं है जो उन शक्तियों के द्वारा लिया नहीं जा सकता। और ये शक्तियाँ, ये आपका लाभ, आपको लाभ पहुँचाएगी, आपको लाभ पहुँचाने के लिए 24 घंटे तत्पर रहेगी। बदले में आपसे कुछ मांगेगी नहीं, आपसे कुछ भी नहीं मांगेगी, बदले में पानी भी नहीं मांगेगी, बस आपकी सहायता करेगी। जिस तरह से एक सकारात्मक सहायता करती है उसी तरह से नकारात्मकता भी आपकी सहायता करने के लिए तैयार हो जाएगी। तो आपको लेने हैं बाजार से 4 ताले। देखिए, कंजूसी मत करना, ताले बढ़िया लेना, स्टील के लेना, बढ़िया लेना, स्टील के लेना, मजबूत थोड़े से बड़े लेना, ये नहीं छोटे। तुम्हें ताले का तो 5-5 रुपये की तालियाँ उठा करके ले आए, उससे कुछ नहीं होगा। जब कह रहा हूँ तो आदमी की कैपेसिटी के हिसाब से चीज़ होनी चाहिए। तो थोड़े बड़े बड़े ताले लेके आना, 4 ताले, और उसको खुलवाना मत, उसको बोलना कि खोलना मत, बिना खोले हमको दे दो, हम अपने आप खोल लेंगे। तुम सीधा पैकेट में 4 ताले लेके आना। मंगलवार की रात को इन 4 तालों पर शमशान की बबूत में थोड़ा सा जल मिला करके और उस पर लेपन करके और ताले को वापस पैक करके और वापस रख दें। कहाँ रख दें? अपने घर की दक्षिण दिशा में रख दें। किस में रख दें? एक काले वस्त्र में बांध के रख दें, या काली पॉलीथीन आती है ना, काली पॉलीथीन में रख दें। बस आपको इतना ही करना है। बुधवार के दिन आपको क्या करना है? बुधवार के दिन दोपहर के समय, जिस समय दोपहर का समय हो उस समय आपको जाना है शमशान में। एक देखिए, इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ेगी, ऐसे आपका काम पूरा होगा नहीं। आपको उन तालों को शमशान में रख के आना है और इस प्रकार से रख के आना है जैसे किसी को लगे कि कोई यहाँ भूल गया है। अगर आपने अगर सिस्टमेटिक ढंग से रखा तो लोग समझ जाएंगे, तो कोई टोना टोटका है भैया, इसमें तो हाथ नहीं डालना है, कोई नहीं उठाएगा आपके तालों को। आप इस प्रकार से रख करके आइए, जैसे कोई पतली चादर वगैरह बिछा दी, उसके ऊपर कोई खाने पीने का कोई पानी की बोतल वगैरह रख दी, कोई मिक्सर वगैरह पास में ऐसे छोड़ दी थोड़ी सी खा करके, तो ऐसे लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ खाया पिया, कोई ताला रख कर गया, भूल गया होगा। अब देखिए, अब जाइए आप वहाँ शमशान में, वापस शमशान में जाइए, दोपहर का समय है। उस समय हर ताले पर वो जो आपने राख लगाई है, उस राख के ऊपर से वो करके नीचे की साइड में, देखिए ऊपर तो आपने राख लगा दी, थोड़ी थोड़ी राख लगा दी, लेपन कर दिया, नीचे की साइड में ताले के आपको एक यंत्र लिखना है। यंत्र थोड़ा सा अजीब टाइप का है, इसलिए इस अच्छी तरह से इसको ध्यान से देख लें, अच्छी तरह से मैं इस यंत्र को ध्यान से दिखा दे, तो जूम करके देख लें इसको अच्छी तरह से। इस यंत्र को आपको लिखना है। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़िया तो शायद नहीं दिखता होगा, एकदम जूम करके अच्छी तरह से आपको दिखा दिया है, है ना। एक हॉकी टाइप लाइन नीचे और देखिए ऊपर एक पी बना हुआ है, पी के अंदर से एक लाइन जा रही है, बस ऐसा ही कुछ यंत्र है ये। आप समझ रहे हैं, अच्छी तरह से देख रहे हैं इसको, देख लिया अच्छी तरह से। ये यंत्र आपको ऐसे स्केच पेन से हर ताले की तरफ बनाना है और यंत्र का मुंह ऊपर की तरफ रहे, यानी ताला जिधर से खुलता है उधर की तरफ रहे, ये पीछे बनाना है। आगे शमशान की जो भस्म है उसको लगाया हुआ है, बस उसको पैक कर दीजिए वापस। पैक करके कोई पतला सा 20-20 रुपये में चादर मिलती है, वो गले में ओढ़ने वाला ऐसा कुछ मिलता है, वो बिछा लेना, बिछा करके थोड़ा सिस्टम मैंने बताया वैसा जचा लेना, जचा करके वो ताले वहाँ रख देना, तो किसी को लगेगा कि ताले भूल करके चला गया, चलो अच्छा हुआ अपन उठा लेते हैं। जैसे ही कोई शमशान में काम करने वाला कार्यकर्ता उस ताले को उठा लेता है, उठा करके उसको खोल देता है, बस उसको खोलने के साथ ही शमशान की सारी शक्तियाँ जिस व्यक्ति ने ये क्रिया की है उस व्यक्ति पर मेहरबान होने लगती है।
क्यों मेहरबान होने लगती है, थोड़ा सा यह सुन लो आप। क्या होता है कि शमशान में हजारों प्रकार की शक्तियाँ होती है और कई शक्तियाँ ऐसी होती है जो बंधित रहती है। बंधित रहती है का मतलब है कि बड़ी शक्तियों के नीचे किसी भी प्रकार से उनको बंधनों में रखा जाता है। जैसे ये चार ताले खोलोगे, चार ताले खोलते ही वो शक्तियाँ एकदम मुक्त हो जाएगी और जिसके कारण से ये चार ताले खुले हैं उस व्यक्ति पर वो हमेशा मेहरबान रहेगी, उस व्यक्ति का पुबारा करती रहेगी। आवाहन मात्र की देर है, उस व्यक्ति का कार्य तत्काल होगा। दोस्तों ये बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत गुप्त चीज़ है, बहुत अद्भुत चीज़ है। यदि आपने उपाय को कर लिया तो आप कुछ भी करने में सक्षम हो सकते हो। सही समय, सही प्रकार से तंत्र का प्रयोग करना आपको एक अच्छा बेनिफिट प्रदान कर सकता है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, पहली बार हमारे चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा देना ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा दोस्तों।